नमस्कार, आज मैं सेवई की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमने सेवई को लिए है, और सबसे पहले सेवई को जितना बनाना है उतना ही सेवई को लेकर के हाथ से छोटा छोटा पहले हम इसे तोड़ लेंगे। हम इस तरह से सेवई को तोड़ लिए हैं। इधर गैस ऑन करके पैन को चढ़ा दिए हैं, और पैन में एक बड़ा चम्मच घी को डाल देते हैं, और घी को पहले गरम होने देते हैं अच्छी तरह से। घी अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा काजू को लेकर के इसमें डाल देते हैं, और काजू को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। काजू फ्राई हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी घी में सेवई को डाल देते हैं। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गैस का फ्लेम को लो करके सेवई को अच्छी तरह से भूनना है, जिससे कि सेवई का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। सेवई अच्छी तरह से भुना गया है, अब इसे हम एक किनारे कर देते हैं। और इधर गैस पे हम आधा लीटर दूध है, दूध को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। दूध में ही थोड़ा सा केसर का दाना को डाल देते हैं। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब इसमें हम जो भुना हुआ सेवई है उसे हम इसमें डाल देते हैं, और गैस का फ्लेम को लो कर दिए हैं अभी, और उसे एक बार चला लेते हैं इस तरह से। चलाने के बाद इसमें हम इलायची का पाउडर है उसे हम डाल देते हैं। थोड़ा सा किशमिश और बादाम है उसे हम इस तरह से पतला पतला पीस में काटे हैं, उसे हम थोड़ा सा डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके इसे हम 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं। चार पाँच मिनट हो गया, सेवई गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें हम चीनी डालते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, हम थोड़ा चीनी कम डालते हैं। और चलाते हुए चीनी को भी अच्छी तरह से घुला लेते हैं। चीनी भी अच्छी तरह से घुल गया है, सेवई बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, इतना ही गाढ़ा रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद सेवई अपने आप गाढ़ा हो जाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो इसे हम सर्व कर लेंगे। सेवई को सर्व कर लिए हैं, ऊपर से थोड़ा जो काजू को फ्राई किए थे उसे डाल देते हैं। और थोड़ा सा बादाम और किशमिश को भी डालते हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।